नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसे आप एक बार खाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा ये मज़ेदार है। और ये ग्रीन चिलीज के साथ खाइए आप, आपको बेहद पसंद आएगा। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनानी, चलिए इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे कोई भी एक बोल और इसमें डाल दूंगे सूजी। तो एक कप हमने सूजी ले लेनी है, मैं बिल्कुल बारीक वाली जो है सूजी ली है। तो आपके पास कोई भी सूजी हो तो आप वो सूजी ले लीजिए। एक कप हमने सूजी का ले लेना है। तो लीजिए, एक कप हमने ले लिया सूजी। इसके अंदर जाएगा नमक, तो हमने स्वाद के अनुसार नमक ले लेना है। मैं जो है आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। जीरा पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1/3 स्पून। एक पिंच सिर्फ हमने इसमें हल्दी की डालनी है। एक चम्मच इसमें जाएगी चीनी, उसी कप के मेजरमेंट से आधा कप में डाल दूंगी इसमें दही। घर में जो दही होता है उसी वही डालेंगे हम इसके अंदर। सब चीज़ों को मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दूंगी। और इसके अंदर डालेंगे हम गर्म पानी। लूकवॉर्म जो है हमने इसमें पानी डाला है, ठंडा पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। हल्का हल्का हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। और अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जितनी देर हमारी सूजी जो है रेस्ट पे है, इसको ढककर रख देते हैं। हमने जो है ग्लास में इडली बनानी है, तो इस तरह से हम ले लेंगे कोई भी एक लंबा सा ग्लास और इसको जो है ग्रीस कर देंगे। ब्रश में ऑयल लगा देंगे और इसको अच्छे से हमने सब जगह से ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम निकालें तो आराम से जो है हमारा ये निकल जाए ढोकला। अच्छे से हमने जो है इसको ग्रीस कर लिया, तो 5 मिनट हो गए, चेक कर लेंगे। सूजी हमारी फूल गई है, ये आप देख सकते हो। पानी इतने सोख कर लिया है, अब इसके अंदर डलेगा थोड़ा और पानी, कोसा पानी, यानी कि लूकवॉर्म वाटर में इसमें और ऐड कर दूंगी। इस तरह से उसको मिक्स कर देंगे। इसमें डालूंगी गाजर, बिल्कुल बारीक चॉप करी हुई, हम इसमें 2 चम्मच गाजर डाल देंगे। इसके साथ ही जाएगी इसके अंदर हमारी शिमला मिर्च, वो भी हमने बिल्कुल चॉपर में चॉप कर लिए। और वो एक छोटी शिमला मिर्च जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बढ़िया लगती है। इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा हमारा हरा धनिया, और इसको भी हमने कर देना है मिक्स। अब मैंने ले लेना है एक सैशो, हमने इनो को ले लेना है। और इस तरह से जो है मैंने इसको इसके अंदर डाल देना, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी इस तरह से, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देखोगे कि ये मिनटों में जो है फूलने लगी, देखने किस तरह से ये फूल रही है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। अब हमने ले लेने अपने ग्लास, तो मैंने जो है ये 2 ग्लास लिए हैं, और दोनों ग्लास को मैंने अंदर से जो है ग्रीस कर लिया है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपना ये ढोकले का बैटर। हमने इसको पूरा नहीं भरना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि ये फूलेगा भी। लीजिए, आप देख सकते हो ये दोनों रेडी हो गए। हमने इसको जो है इस तरह से भर लिया है, लेकिन पूरा नहीं भरा है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दिया और उसमें मैंने पानी रख दिया, और आप पानी देख सकते हो बॉईल हो गया है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी एक स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर रख दूंगी मैं इस तरह से कोई भी एक थाली, और इसके ऊपर जाएगा हमारा ये ग्लासेस। और इसको अब हम ढक देंगे कोई भी बड़े बर्तन से, कोई भी थाली से, कोई भी किसी चीज़ से भी आप इसको ढक सकते हो। अच्छे से हमने इसको ढक देना है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर देना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको जो है इसी तरह से पकाएंगे। पानी हम इसमें उतना डालेंगे जितना अच्छे से जो है ये पक जाए, ड्राई ना हो वाटर, उतना हमने इसमें पानी 1 गिलास 1/4 गिलास डाल देना है। पहले हमने फुल फ्लेम में इसको रखना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो है 12 से 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में इसको रखेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो कि इडली हमारी जो है फूल चुकी है। इस तरह से कोई भी एक प्रिक करने के लिए ले लेंगे स्टिक, और इसके अंदर डालेंगे इस तरह से नीचे तक, और इसको निकाल कर चेक करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ड्राई है, मतलब कि हमारी जो इडली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसको साइड से जो है स्क्रैप कर लेंगे, और इसको जो है इस तरह से उल्टा कर टैप करके, ये देखिए, वाओ क्या बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है, और अच्छा स्पॉन्जी बनकर ये तैयार हुआ है, खूब सॉफ्ट बना। और दूसरा भी हमने इसी तरह से निकाला है, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ये बना है। और अब हम एक नाइफ ले लेंगे और इसको भी ना हल्का सा हमने ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर देना है, और इसको मैं कट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, कटिंग से पता लग रहा है कि कितना स्मूथ बढ़िया सा बनके ये तैयार हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए, वाओ बहुत ही सुंदर। ये देखिए, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ दोबारा। ये देखिए, देखना कितना बढ़िया लग रहा है ये। इसको आप चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये बनके हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है ये। इसमें एक बूंद भी हमने तेल की नहीं डाली है, सिर्फ हमने जो है ग्लासेस को ग्रीस किया है, इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला है। तो ऑयल फ्री है, बहुत ही हेल्दी है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ये फायदेमंद भी है। इसे ज़रूर बनाइए, स्टीम फूड बहुत ही हेल्दी फूड होता है। बना के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।